औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान निरजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ उस रब्बे कायनात के लिए है। अब्दुल हसन साहब कहते हैं कि मेरी झोली में वो लफ्ज़ों के मोती डाल देता है, मेरी झोली में वो लफ्ज़ों के मोती डाल देता है, सिवाय इसके घर कुछ मांगूँ तो हंस के टाल देता है। मेरा ये कारोबार है जज्बा, ये अल्फाज हैं उससे, मैं जज्बे पेश करता हूँ वो मिसरे डाल देता है। इसी के हमदसना से हम इस 9 के नए लेसन की इब्तिदा करते हैं। मार्क ट्वेन मार्क ट्वेन ये एक नाम है अमेरिकन राइटर्स का। मार्क ट्वेन वॉज द पेन नेम ऑफ सैमुअल लिंकन क्लेमेंस। ये पेन नेम बोलते एक कलमी नाम जिसे हम कह सकते हैं, कलमी नाम जो था उनका वो मार्क ट्वेन था। वैसा उनका जो नाम था वो सैमुअल लिंकन क्लेमेंस था। अब पॉपुलर अमेरिकन राइटर, जो अमेरिका के मशहूर पॉपुलर यानी मशहूर राइटर थे। ही वॉज फेमस फॉर हिज ह्यूमरियस स्टोरीज। ही वॉज फेमस, वो मशहूर थे। इससे पहले एक बड़ा पॉपुलर, और दोनों का मतलब एक ही होता है, ये कंप्लीमेंट वाले सेंटेंस है पॉपुलर, और दूसरा वर्ड है फेमस, दोनों भी एडजेक्टिव है। मशहूर पॉपुलर बहुत ज़्यादा मशहूर थे। ही वॉज फेमस फॉर हिज ह्यूमरियस स्टोरीज। ह्यूमरियस का मतलब होता है मजाइया, ये भी एडजेक्टिव है। ह्यूमरियस स्टोरीज के लिए बहुत ज़्यादा जाने जाते थे, यानी बहुत ज़्यादा मशहूर थे। नावेल्स एंड अदर राइटिंग्स, नावेल्स भी वो बहुत ज़्यादा लिखा करते थे, और इसके अलावा उनकी बहुत ज़्यादा राइटिंग्स यानी तहरीरें भी थी, यानी बहुत ज़्यादा पेपरों में या मैगजीन में भी वो लिखा करते थे। His ready wit shown through everyday conversation. His ready wit. अब रेडी का मतलब होता है तैयार होना, लेकिन यहाँ पर यह भी एक रेडी यानी विट, रेडी विट एक पूरा फ्रेज है जिसका मतलब ले सकते हैं, कि जिसे हम कह सकते हैं कि अगर किसी ने कुछ सवाल पूछा तो उसको उसी वक्त जवाब दे देना, जिस ठीक है ना, तो हम उसके लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी जिसको हम हाजिर जवाब भी कह सकते हैं, यानी उनकी अक्लो फहम का हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। हिज रेडी विट शोन, शाइन का पास्ट टेंस है शोन, यानी जाहिर होना, चमकना, यानी उनकी जो जहान है तो वो ऐसे जाहिर होती है थ्रू एवरीडे कन्वर्सेशन, यानी हर रोज़ अगर उनसे कन्वर्सेशन जो की जाती थी, गुफ्तगू जो होती थी, उसके ज़रिए से वो हाजिर जवाबी के तौर पर जाने जाते थे। मैनी एनेक्डोट्स का मतलब होता है उनके किस्से, उनके वाक्यात, जो भी उनकी ज़िंदगी में हुए हैं वो जो वाक्यात थे। तो मैनी एनेक्डोट्स रिलेटेड टू मार्क ट्वेन्स जो रिलेटेड जो वाक्यात हैं, आर टोल्ड यानी कही गई या फिर सुनी गई, एंड इंजॉयड इवन टूडे, आज भी उनके ज़रिए से जो भी उन्होंने जो एनेक्डोट्स जो उन्होंने वाक्यात पेश किए या फिर उनके ज़रिए से हुए हैं, कही गई या फिर सुने जो भी हुए हैं, तो वो आज भी उन्हें कहा जाता है और आज भी उनसे इंजॉयड किया जाता है, यानी इतना अरसा बीत जाने के बाद भी आज भी उनसे लुत्फानंदोज हुआ जाता है। इट शुड बी नोटेड यानी ये पैसी वाइज के अंदर सेंटेंस है, चाहिए हम ये नोट कर लेना चाहिए, डैट ही वॉज अ ग्रेट डिफेंडर ऑफ ह्यूमन वैल्यूज़ यानी इंसानी कदरों के। डिफेंड का मतलब होता है दिफा करना, ठीक है ना, यानी बचाव करना, वो हामी होना, किसी भी चीज़ के हामी होना। तो ही वॉज अ ग्रेट डिफेंडर ऑफ ह्यूमन वैल्यूज़, यानी इंसानी कदरों के बहुत ज़्यादा हामी थे, डिफेंडर थे, लाइक जैसे लिबर्टी आज़ादी के एंड इक्वलिटी, और जो अमरीका के अंदर जो गोरे और काले का जो फ़र्क जो किया जाता है उसके ज़रिए इक्वलिटी बराबरी के लिए, एंड फ्रेटर्निटी यानी इख़वत मोहब्बत खलूस के लिए बहुत ज्यादा वो उसके हामी कहे जाते हैं। ही अपोज्ड डिफेंड का मतलब होता है दिफा करना, अपोज्ड का मतलब होता है मुखालिफत करना, सिंपल पास्ट टेंस में। ही अपोज्ड वार, उन्होंने जंग की मुखालिफत की, एंड इंपीरियलिज्म का मतलब होता है शहनशाही या जिसे अपन कहते हैं, उन्होंने उसकी मुखालिफत की, एंड सपोर्टेड वही डिफेंड, उन्होंने सहारा दिया, ताइद किए उसको मानना, सपोर्टेड द कॉज ऑफ लेबर्स एंड ऑफ द ब्लैक पीपल इन हिज कंट्री। उनके मुल्क के अंदर जो ब्लैक पीपल जो थे, यानी अपन जो काले और गोरे का जो अपन सिया फाम जो लोग थे, काले जो लोग थे और जो लेबर तबके के जो लोग थे, उन्होंने उसका सपोर्ट किया इन हिज कंट्री अमेरिका में।
गिवन बिलो आर सम एनेक्डोट्स फ्रॉम हिज लाइफ, यानी कुछ उनकी जिंदगी से रिलेटेड, उनकी जिंदगी से जो रिलेटेड है एनेक्डोट्स, कुछ वाक्यात है, अहम वाक्यात है, या बयान आदि मकोले इक्तिसाबात जो भी हम कह सकते हैं, गिवन बिलो नीचे दिए जा रहे हैं। एंड सम कोटेशंस, और कुछ उनके कोटेशंस है, कोटेशन के जो खास जुमले बोलो या फिर उनके मकोले बोलो, उनकी जो कॉल बोलो, फ्रॉम हिज स्पीचेस एंड राइटिंग्स, जो उन्होंने तकरीरें की, जो उन्होंने राइटिंग जो तहरीरें की, उससे कुछ नीचे कुछ 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 अहम वाक्यात दिए जा रहे हैं। पहला वाक्य है सम एनेक्डोट्स, कुछ से कुछ वाक्य था। पहला है वन डे ड्यूरिंग अ लेक्चर टूर, लेक्चर देने के लिए जाया करते थे वो काउंसलिंग के या फिर जो भी उनके लेक्चर हुआ करते थे, तो वो एक दिन वो टूर के ऊपर थे, अपने दौरे के ऊपर थे, ड्यूरिंग अ टूर थे। मार्क ट्वेन से इंटर्ड अ लोकल बार्बर शॉप फॉर अ शेव, अब वो दाढ़ी बनाने के लिए, शेव करने के लिए वो एक बार बार एक हज्जाम की दुकान के अंदर इंटर्ड हुए, दाखिल हुए, सिंपल पास्ट टेंस है, इंटर होना, दाखिल होना। दिस टिवेन टोल्ड द बार्बर, तो उन्होंने उस बार्बर से कहा, वाज हिज फर्स्ट विजिट टू द टाउन, उन्होंने कहा कि ये उनका पहला विजिट है इनके गांव के अंदर, उनके टाउन के अंदर। यू हैव चूजन अ गुड टाइम टू कम, तो बार्बर कहता है कि तुमने बहुत अच्छा वक्त चुने आने के लिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। यू हैव चूजन, चुने हैं, यू हैव चूजन अ गुड टाइम टू कम, आने के लिए तुमने बहुत अच्छा वक्त चुने। ही डिक्लियर्ड, उसने कहा, ओह, ट्विन रिप्लाइड, ट्विन का अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, उन्होंने जवाब दिया। मार्क ट्वेन इज गोइंग टू लेक्चर हेयर टू नाइट, अब वो बार बार कहता है कि मार्क ट्वेन जो शख्स है वो आज यहाँ पर एक लेक्चर देने वाले हैं, गोइंग टू लेक्चर हेयर टू नाइट, यू शैल वॉन्ट टू गो आई सपोज, और मुझे ऐसा लगता है कि तुम शायद उनका लेक्चर सुनने के लिए जाओगे, सिंपल फ्यूचर टेंस, यू शैल गो, तुम जाओगे, आई गेस सो, मुझे भी ऐसा लगता है। हैव यू बॉट योर टिकट येट, तो फिर क्या तुमने अपना टिकट खरीदा है, तो वो कहते हैं नॉट येट, नहीं मैंने अभी तक तो नहीं लिया है। वेल इट इज सोल्ड आउट, तो फिर तमाम टिकट अभी तक की बिक चुकी हैं। सो यू शैल हैव टू स्टैंड, यू शैल हैव टू, तुम्हें फिर खड़ा होना होगा, यानी जितनी भी सीटें थी वो तमाम फुल हो चुकी है, तो तुम्हें फिर अब खड़े रहकर शो देखना होगा। जस्ट माई लक, तो ट्वेन कहते हैं जस्ट, ये तो मेरी किस्मत है। सैड ट्वेन विद अ साई, बड़ी ठंडी उन्होंने सांस ली, साई की, और उन्होंने कहा आई ऑलवेज हैव टू स्टैंड, मैं हमेशा खड़ा होता हूँ, मुझे हमेशा खड़ा होना होता है, मुझे हमेशा खड़ा होना पड़ता है। वेन डेट फेलो लेक्चर्स, यानी डेट फेलो यानी वो जो मिस्टर ट्वेन जो है वो शख्स जब लेक्चर देता है तो मुझे खड़े होना पड़ता है, ऐसा उनका भी एक वाक्य गुजरा, यानी वो खुद ही है, आज बार बार ने उनको पहचाना नहीं तो इसलिए वो ऐसा कह रहे हैं उसे। दूसरा उनका वाक्य है, मिसिस स्टो वाज लिविंग फॉर फ्लोरिडा वन इवनिंग, एक दिन क्या हुआ, मिसिस स्टो जो है वो लीव का मतलब होता है रवाना होना, जाना कहीं पर भी, तो लिविंग जा रही थी, रवाना फॉर फ्लोरिडा के लिए, वन मॉर्निंग सुबह वो जा रही थी, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। एंड क्लीमेंट्स, और वो जो क्लीमेंट्स जो थे, द यंग मार्क ट्वेन जो थे वो जवान, रैन ओवर अर्ली टू से गुड बाय, तो उन्हें वो दौड़ते हुए गए गुड बाय अलविदा कहने के लिए गए। ऑन हिस रिटर्न मिसिस क्लीमेंट्स, जब वापस आए तो उनकी जो बीबी थी मिसिस क्लीमेंट्स, रिगार्डेड हिम डिसअप्रूविंगली का मतलब होता है बड़ी ना पसंदीदी का उन्होंने इजहार किया, उनको अच्छा नहीं लगा उनको क्या वो उनको गुड बाय कहने के लिए गए। क्यों वो कहती है, फिर why she said, वो इसलिए कहती है कि you haven't on any collar and tie, क्योंकि तुम जो चले गए वैसे ही चले गए, तो ना तो तुमने कोई कॉलर पहनी और ना ही तुमने कोई टाई पहनी, वैसे तुम चले गए, ये उसको अच्छा नहीं लगा। ही सेड नथिंग, उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, बट वेंट अप टू हिज रूम, अपने रूम में गए, डिड अप दीज आइटम्स इन अ नीट पैकेज, तो उन्होंने जो उसकी बीवी ने जो कहा था उनको, उन्होंने चीज़ों को पैक किया, एंड सेंट इट ओवर टू मिसिस स्टो बाय अ सर्वेंट विथ अ लाइन, तो उन्होंने फिर तमाम चीज़ें एक लाइन लिखकर अपने सर्वेंट के हाथ से उन्होंने मिसिस स्टो को भेज दी। क्या लिखी, हेयर विथ रिसीव अ कॉल फ्रॉम द रेस्ट ऑफ, तो क्या लिखा उन्होंने, हेयर विथ रिसीव अ कॉल फ्रॉम द रेस्ट ऑफ मी, यानी मेरा जो बाकी हिस्से जो बच गए थे, जो उनकी बीवी ने कहा कि तुमने कॉलर टाई नहीं पहन के वैसे चले गए, तो उन्होंने कहा कि मेरे जो बाकी के हिस्से बच गए थे अब उनकी तरफ से आप क्या करो, अलविदा को कबूल करो, हेयर विथ रिसीव अ कॉल फ्रॉम द रेस्ट ऑफ मी, इस तरह से उन्होंने कहा कि जो मेरे जो अब उनकी बीवी ने कही थी कि आपने टाई नहीं पहन गया, कॉलर नहीं पहन गया, तो उन्होंने तमाम चीज़ों को पैक किया और उसको ये लाइन लिख के उन्होंने उसको भेज। तीसरा वाक्य, वन डे हेनरी इविंग, एक दिन हेनरी इविंग इन द मीड्स ऑफ टेलिंग,
मार्क ट्वेन ए ह्यूमरियस स्टोरी। एक दिन क्या हो गया क्या वो उनको कहानी कहते कहते क्या होगी वो रुकी इन द मीडियस्ट यानी दरमियान में ऑफ टेलिंग मार्क ट्वेन को कहते कहते क्या होगी वो ह्यूमरियस स्टोरी कह रही थी तो कहते कहते वो रुक गई। अप्रोपली स्टॉप यानी यक यक रुक गई एंड एग्जामिन्ड हिज फ्रेंड्स फेस और अपने दोस्त के चेहरे को देखकर उन्होंने एग्जामिन किया और फिर पूछा Have you haven't heard this? अब वो जो कहानी उससे कह रही थी तो क्या तुमने इस कहानी को सुना उन्होंने कहा उससे You haven't heard this? Have you? क्या तुमने इस कहानी को सुना है सुना क्या ऐसा उन्होंने सवाल किया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है क्वेश्चन टेक वाला क्वेश्चन टेंस है He asked उसने पूछा Twins assured him that he had not तो उन्होंने उसको यकीन दिलाया कि नहीं Assured करना यकीन दिलाना सिंपल पास्ट टेंस है Twain assured him that he had not heard उन्होंने इसको नहीं सुना यानी जो कहानी सुना रही थी कहानी सुनाते सुनाते बीच में रुक गया कहा जो मैं तुमको कहानी सुना रही हूँ क्या तुमने इसको सुना तो उन्होंने यकीन दिलाया उसको assured किया कि he had not yet उन्होंने अभी तक इसको नहीं सुना है When some time later फिर कहानी सुनाना शुरू कर दी फिर कुछ वक्त बीत गया Irving again paused फिर और भी रुक गई और भी रुक गया एंड अगेन पोस्ट द क्वेश्चन अ पोस्ट यानी रुकना PAUSE पोस्ट यानी रुकना PAUSE पोस्ट सिंपल पास्ट यानी पोस्ट रुक गई नीचे दूसरा वर्ड है पोस्ट POSE पोस्ट सिंपल पास्ट टेंस पोस्ट यानी वही दोबारा सवाल उन्होंने फिर रखा उसको दोबारा और सवाल पूछा द क्वेश्चन टीवेन अगेन रीअश्योर्ड अब ऊपर आया तो अश्योर्ड रीअश्योर्ड दोबारा उन्हें यकीन दहानी कराना देन उन्होंने फिर उनको कहा गया नहीं मैंने कहानी नहीं सुना देन अप्रोचिंग द क्लाइमैक्स अब अप्रोचिंग द क्लाइमैक्स जो कहानी जो सुना रही थी उसकी क्लाइमैक्स के ऊपर पहुंच गई थी यानी वो कहानी जो है वो अख्ताम पर आने वाली थी क्लाइमैक्स तक के पहुंच गई थी Irving broke off फिर वो जो कहानी सुनाते सुनाते उनका जो तसलसल जो बन चुका था फिर उन्होंने उसको एक बार और तोड़ा वन मोर एक बार और काय के लिए वही सवाल पूछने के लिए आर यू क्वाइट श्योर क्या तुमको बिल्कुल पक्का यकीन है यू हैवंट हर्ड दिस क्या तुमने सच में इसको नहीं सुना ही डिमांडेड सस्पिशियसली यानी उन्होंने बड़ी शक भरी निगाह से शक भरे अंदाज से उन्होंने डिमांड की यानी वही सवाल किया उन्होंने क्या तुमने सही में इसको नहीं सुना अब वो जवाब देते हैं आई कैन लाई वन मैं एक बार कैन का इस्तेमाल किया गया आई कैन लाई वन मैं एक बार झूठ बोल सकता हूँ लाई यानी झूठ बोलना आई कैन लाई वन मैं एक बार झूठ बोल सकता हूँ ट्वेन फाइनली रिप्लाई फाइनली आखिरकार उन्होंने जवाब दिया सिंपल पास्ट टेंस है मैं एक बार झूठ बोल सकता हूँ आई कैन लाई ट्विस मैं दो बार झूठ बोल सकता हूँ फॉर कॉर्टेसेक किसी के खुश इखलाकी के तौर के ऊपर किसी को खुश करने के लिए मैं दो बार खुश इखलाकी के तौर पर दो बार झूठ बोल सकता हूँ बट आई ड्रॉ द लाइन देयर बट आई ड्रॉ द लाइन मतलब फिर अब मैं उसके आगे फिर झूठ नहीं बोल सकता यानी फिर मैं रुक जाता हूँ आई ड्रॉ द लाइन यानी मैं वहाँ पर अख्ताम खत्मशुदा कर देता हूँ या बंद कर देता हूँ फिर उसके आगे झूठ नहीं बोलता हूँ आई कैन नॉट लाई द थर्ड टाइम एट एनी प्राइस यानी किसी भी कीमत के ऊपर मैं तीन बार झूठ नहीं बोल सकता हूँ आई नॉट ओनली हर्ड द स्टोरी आई नॉट ओनली हर्ड द स्टोरी ना ही सिर्फ मैंने कहानी सुना बल्कि आई इन्वेंटेड इट बल्कि मैंने इसको तश्कील भी दिया हूँ इन्वेंट भी किया हूँ यानी उनका काम ही था स्पीच देना तकरीर करना तो उसमें उन्होंने शायद लिखे भी हो और शायद उन्होंने फिर उसको स्पीच के अंदर अपने उसको इस्तेमाल भी किया हो यानी वो ये काम किया करते